धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड मुख्यालय के समक्ष पंचायत समिति सदस्यों ने गोविंदपुर के बीडीओ मोहम्मद जहीर आलम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पंचायत समिति सदस्यों ने बीडीओ मोहम्मद जहीर आलम के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। गोविंदपुर प्रखंड के पंचायत समिति सदस्यों ने मीडिया के समक्ष उग्र होकर कहा कि बीडीओ के द्वारा पंचायत समिति सदस्यों का बैठक बुलाया गया था। बैठक के दौरान पंचायत समिति सदस्यों ने बीडीओ के ऊपर तानाशाही दिखाने का आरोप लगाया। बैठक के दौरान बीडीओ ने पंचायत समिति सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया, जिससे पंचायत समिति सदस्यों ने बैठक को बहिष्कार कर उग्र होकर प्रखंड मुख्यालय के समक्ष आकर बीडीओ मोहम्मद जहीर आलम के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी के दौरान कहा कि अफसरशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। वहीं दूसरी ओर विवाद के बाद पुनः बीडीओ प्रखंड प्रमुख पंचायत समिति सदस्यों का बैठक आयोजित किया गया। देखिए, अभी आप लोग देखें कि एक घंटा पहले ही हम लोग बीडीओ साहब के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और फिर हम लोग पुनः सुलह करके इसको एक प्रकार का समझौता की। इसके लिए मैं तो सबसे मैंने शुभकामनाएं देना चाहता हूं देश का चौथा लोक स्तंभ मीडिया को। आप लोग आज नहीं होते तो शायद एक भयभीत माहौल नहीं बनता कि इससे बुरा मैसेज जाएगा प्रखंड कार्यालय की ओर से। इस बुरा मैसेज को अच्छा करने के लिए दोबारा बैठक को बुलाया गया और हम लोग भी इसमें सहमति व्यक्त किए हैं और जो भी हुआ था हम लोगों के बीच वो एक बिचौलिया के माध्यम से हुआ है, क्योंकि कुछ बिचौलिया हावी है जो हम लोग के खिलाफ बीडीओ साहब को कुछ मैसेज देते हैं और बीडीओ साहब के खिलाफ हम लोग को भी कुछ मैसेज देते हैं और हम लोग आपसी रूप से उसको बैठ के 11 घंटा बैठ के उसको हम लोग बढ़िया से देखें नियंत्रण। और हम लोग का प्रयास है कि आगे हम लोग पंचायत समिति की बैठक बुलाए थे और सभी पंचायत समिति सदस्य गण यहाँ पे उपस्थित भी थे, तो इसमें कुछ मामले ऐसे थे कि हम लोग पूर्ववर्ती जो बैठक हुई थी उसमें हम लोग बताए थे कि जो भी पंचायत समिति के सदस्य निर्वाचित वो बैठक में भाग लेंगे। यही बात के लेकर के इन लोगों के द्वारा भी बताया गया कि नहीं, अगले बार से हम लोग जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वही आकर के भाग लेंगे और यही बात लेकर के कुछ बातें हुई थी जो बाद में फिर वो लोग फिर वापस आकर के हम लोग फिर पंचायत समिति की बैठक फिर पुनः किए। पिछली बात जो सर बैठक नहीं है, उस बैठक